हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? होपिंग यू ऑल बी गुड। दिस इज विजेश, वेलकम टू माय चैनल विकास एकेडमी। सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेली एमसीक्यूज जो होगा हमारा वो टॉपिक वाइज इन द सेंस जो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, टॉपिक जो क्लासेज ली है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीलिम में प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं उन सब क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जाएगा, प्लस कुछ गेस्ट क्वेश्चन भी होंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तरीका क्या होता है पूछने का। ये UPSC प्लस UPPSC प्लस वन डे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे। पहला जो हमारा क्लास है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बायलिंगुअल होगा, बायलिंगुअल इन द सेंस हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फटाफट लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं, समझते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन प्रेसिडेंट पे। पहला क्वेश्चन है आपका आर्डिनेंस से रिलेटेड। प्रेसिडेंट का मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 123 आर्टिकल जो है ये प्रेसिडेंट के आर्डिनेंस मेकिंग पावर है। लेजिस्लेटिव की पावर होती है आर्डिनेंस रिलेटेड, तो ये उसकी लेजिस्लेटिव पावर आर्डिनेंस मेकिंग की है, 123, राइट। एन आर्डिनेंस प्रमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट विद इन वाट टाइम फ्रेम आफ्टर द स्टार्ट ऑफ इट्स सेशन। यानी कह रहा है कि जब लोकसभा, ठीक है, सबसे पहले ये समझना है कि आर्डिनेंस जारी कैसे होता है, कब जारी होता है, क्या वजह होती है। तो जब लोकसभा या राज्यसभा, हमको पता है कि लोकसभा राज्यसभा मिलकर क्या करते हैं, कोई एक्ट, ठीक है, बनाते हैं या कोई लॉ बनाते हैं। तो आपको ये समझना है कि जब लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं हो, उस टाइम पर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में किसी एक्ट को बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, तो उस टाइम पर लोकसभा राज्यसभा नहीं है तो उस टाइम पे इसके पास, प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि आर्डिनेंस जारी कर सकता है, यानी कोई पॉलिसी या कोई लॉ, कोई एक्ट बना सकता है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि जब बना तो दिया उन्होंने, उसके बाद जब सेशन शुरू होता है, लोकसभा राज्यसभा बैठती है, बैठक में होती है, उस टाइम पर ये जो आर्डिनेंस बना दिया गया है तो कम से कम ये जो बिल फिर वापस लाया जाएगा पार्लियामेंट में, तो मैक्सिमम या कितने दिन के अंदर अंदर इसको लाया जा सकेगा। तो ऑप्शन पहला आपका है 1 मंथ, 6 वीक, 8 वीक्स एंड 6 मंथ्स। तो आपका ऑप्शन है इसमें 6 वीक्स, 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसको फिर से लोकसभा राज्यसभा से पास करवाना होगा, अन्यथा अदरवाइज वो ख़त्म हो जाएगा, वार्डनेंस ख़त्म हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके, क्लियर है। अब आर्टिकल 123(2) में ये चीज़ें दी गई हैं कि आर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी लेड बिफोर द बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड शैल सीज टू ऑपरेट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक, ठीक है, ये 6 महीने तक ही वैलिड रहेगा, उसके बाद अंदर अंदर वो खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके, 6 हफ्ते तक। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, आगे चला जा। दूसरा क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट यानी एक्सिक्यूटिव पावर की बात कर रहा है, प्रेसिडेंट की एक्सिक्यूटिव पावर बात कर रहा है कि प्रेसिडेंट किसको किसको अपॉइंटमेंट देता है। तो पहला ऑप्शन है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, सही है, इसको देता है, मैंने आपको पढ़ाया ही है। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको भी पढ़ाया मैंने, इसको भी करता है अपॉइंट। स्टेट्स गवर्नर्स, राज्यों के जितने भी गवर्नर राज्यपाल हैं उन सबको अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब देते हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही है, बी सही है एंड सी, तीनों सही है। इसका मतलब ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट आंसर, टी आपका ऑल ऑफ दीज है, तो सबके सब सही हैं। अब आपको याद रखना है आर्टिकल, अटॉर्नी जनरल का जो आर्टिकल था आर्टिकल 76 है, कैग का जो आर्टिकल है आर्टिकल 148 है, स्टेट्स गवर्नर है तो आर्टिकल 155 के थ्रू अपॉइंटमेंट देता है प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट गवर्नर को, स्टेट्स के जितने गवर्नर हैं उनको, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, आगे चला जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट कौन नहीं होता है? पहला ही ऑप्शन आपका मिल गया और फंसा दिया, यही वाइस प्रेसिडेंट। भाई साहब, मैंने आपको पढ़ाया क्लास में वाइस प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इनका। तो यही आपका ऑप्शन पूछ रहा है कि नॉट अपॉइंटमेंट, तो यही आपका ऑप्शन सही हो गया। अब दूसरा तीसरा देखते हैं क्या है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को अपॉइंट
प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होता है, सही है। आर्ट किल आपका 74-75 में ये बातें कही है, देयर सेल, इसमें कहा गया देयर सेल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का ही मेन हेड होता है कौन, प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, पीएम होता है, ठीक है। उन्हीं से इसको बोला गया, पीएम को टॉपिक पढ़ाया था, तो ही इज अमंग इक्वल अमंग देम, उन सब में इक्वल होता है, ठीक है। तो पीएम और पुलिस इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को अपॉइंटमेंट कौन कर देता है, प्रेसिडेंट ही करता है, पहले पीएम को करेगा, फिर उसके बाद इनके एडवाइस पे इनकी सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को क्या कर देगा, अपॉइंटमेंट दे देगा। तो ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा गवर्नर, सभी आपने देखा पिछले क्वेश्चन में गवर्नर को अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही दे रहा है, सही है ये भी। नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि इलेक्शन कमीशन मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, उसका अपॉइंटमेंट प्लस इसके जो मेंबर्स होते हैं उन सबका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। तो आपका ऑप्शन एक दो तीनों सही है, पूछ रहा कौन सा गलत है, तो ऑप्शन ए आपका सही, वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट नहीं करता है, ऑप्शन आपका ए सही हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट चला जाए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ अमंग इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, आप इसको फोकस करिएगा, इनकरेक्ट कौन सा है, प्रेसिडेंट की पावर से रिलेटेड कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। पहला है द प्रेसिडेंट शुड एक्सेप्ट द एडवाइज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि क्या प्रेसिडेंट बाउंड है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस को मानने के लिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस को मानने के लिए प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है, वो माने या ना माने इसका डिस्क्रिशनरी पावर होता है। तो यही आपका ऑप्शन क्या हो गया, पहला इनकरेक्ट पूछा, तो यही गलत हो गया, क्लियर है, मिल गया फटाफट, आप पढ़े होंगे सुप्रीम कोर्ट में पढ़ाया था, तो मैंने बताया था आपको इनके दिए गए एडवाइस को बाउंड नहीं है मानने के लिए। नेक्स्ट इमरजेंसी प्रोविजन, मैंने आपको बताया तीन तरह की इमरजेंसी होती हैं, तीन तरह की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी क्लास में पढ़ाया था मैंने, नेशनल इमरजेंसी, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट रूल, फिर उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये तीन तरह की इमरजेंसी है, इसका जो आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी का होता है आर्टिकल 352, आर्टिकल इसका इमरजेंसी होता है आर्टिकल 356 प्लस 365 भी देखेंगे स्टेट मशीन फेल होने की, और एक है लास्ट आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 है, ठीक है। तो ये तीनों इमरजेंसी पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, ये तीनों को प्रोक्लेम किया सकता है बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा इमरजेंसी है इसके पास पावर, सही है। पावर ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट्स, मैंने बताया आपको सिंपल यही, यानी प्रेसिडेंट रूल स्टेट्स में लागू करना हो, लगाना हो, प्रोक्लेम करना हो, तो प्रेसिडेंट ही करेगा बाय द एडवाइस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, उस स्टेट का गवर्नर जो होगा उसके एडवाइस के थ्रू वो कंसल्ट करेगा कि भाई साहब यहाँ की मशीनरी फेल्ड हो चुकी है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। जैसा हाल ही में हमने देखा था जब जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा चल रहा था 370 धारा, उससे रिलेटेड हमने देखा था वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल कई महीने तक लगा हुआ था, राइट, ओके। नेक्स्ट है आपका लास्ट, प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट आर रिजेक्ट, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट दोनों वर्ड को ध्यान दीजिएगा, द एडवाइज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मैंने अभी पहला क्वेश्चन बनाया आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस को मानने के लिए बाध्य नहीं है, या तो एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट कर दे, तो ऑप्शन आपका ये भी सही है, तीनों ऑप्शन सही है। इसका मतलब पूछ रहा है कि विच ऑफ इनकरेक्ट, यानी इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट है, क्लियर हो गया, एकदम इजी क्वेश्चन है, समझ के है, अगर टॉपिक आपने देखा है, चैप्टर लेक्चर्स देखे हैं, तो आपको सब क्वेश्चन आसान लगेंगे, ठीक है, आगे चला जा, ओके। पाँचवा क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव राइट, यानी ऐसा राइट जो प्रेसिडेंट के पास नहीं है, कौन कौन सा राइट प्रेसिडेंट के पास नहीं है, पहला राइट पावर्स की बात कर रहा, गिव पार्डन राइट, ये है पार्डन, किसी को क्षमा करने की शक्ति प्रेसिडेंट के पास है, इवन डेथ सेंटेंस को भी वो पार्डन कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, केवल प्रेसिडेंट के पास पावर ऐसी है जो डेथ सेंटेंस को माफ कर सकते हैं और बाकी किसी के पास नहीं है, राइट। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, यही गलत है भाई साहब, मैंने आपको बताया कि अपॉइंटमेंट होता है इस समय प्रेजेंट टाइम में कॉलेजियम सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट, रिमूवल इनका होता है राइट, इनका रिमूवल होता है राइट, रिजोल्यूशन पास करके, बिल पास करके पार्लियामेंट से, यानी दोनों हाउस से बिल पास करके इनका रिमूवल होता है, आपको मैंने पढ़ाया था सुप्रीम कोर्ट जब टॉपिक पढ़ाया था, तो आपको वहाँ जाके देखना है,
ठीक है। तो रिमूवल जो होता है, रिमूव ऑफ जज, ये रिमूवल इनके हाथ में नहीं है, ये रिमूवल पार्लियामेंट के हाथ में है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, यही आपका गलत हो गया। दूसरा, डिक्लेयर इमरजेंसी, अभी मैंने पिछले क्लास, पिछले ही लेक्चर में बताया, यानी पिछले ही क्वेश्चन देखा हमने कि डिक्लेयर इमरजेंसी, इनके पास पावर है तीनों तरह के इमरजेंसी क्लियर करने का, सही है। पास ऑर्डिनेंस, अभी आपको पहला ही क्वेश्चन था 123 आर्टिकल, आर्टिकल 123 में इनके पास पावर है कि ये लेजिस्लेटिव पावर के थ्रू ऑर्डिनेंस को प्रोमोगेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये कुल मिलाकर के आपका जो पूछ रहा है कि नॉट पावर कौन सी नहीं है, तो पहला पावर है, ठीक है, दूसरा नहीं है, तीसरा भी है, चौथा भी है, इसका मतलब ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट। क्लियर हो गया, सो ऑप्शन इज आपका बी। ओके, आगे चला जाए, डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन का, थोड़ा लंबा वक्त लगेगा लेकिन अच्छे से समझा जाएगा, ताकि प्रेसिडेंट टॉपिक आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन, एसर्सन और रीजन, यानी कथन कारक वाला क्वेश्चन है, ये पीसीएस का पेट क्वेश्चन है, एकदम है, समझिए ये पेट क्वेश्चन उसका पीसीएस का, तो इससे क्वेश्चन ऐसे बनाते जरूर है वो। क्वेश्चन है क्या एसर्सन में, द यूनियन एक्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। ये कहा गया आर्टिकल 153 में कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग द एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। एक्जीक्यूटिव पावर किसके अंदर है, मैंने आपको बताया था एक्जीक्यूटिव हेड कौन है, प्रेसिडेंट है, तो पहला आपका सही है, क्लियर है। ओके, दूसरा, देयर इज नो लिमिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, हो नो लिमिटेशन, इसको ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि किसी को लिमिट ना कर सके, पूरा पार्लियामेंट किसी को ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड पावर दे दे, या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेसिडेंट की बात कर रहा है कि देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पावर पे कोई लिमिटेशन नहीं है, तो ये गलत है भैया, ऐसा थोड़ा नहीं हो सकता है किसी की पावर पे एकदम ऐसी शक्ति दे दीजिए कि वो उसके पास जो भी चाहे वो कर दे, तो इनकी पावर लिमिटेशन है, राइट, इनकी पावर को लिमिट किया जा सकता है। ऑप्शन तो पहला है, बोथ ए एंड आर ट्रू, गलत हो गया, दोनों सही नहीं है, गलत हो गया। दूसरा, बोथ ए एंड आर ट्रू, यहाँ तक तो गलत है, ये भी गलत हो गया, बट आर इज नॉट करेक्ट आंसर, ये तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा, ए इज ट्रू, पहला सही है, बात सही किया, पहला सही है, बट आर इज फॉल्स, दूसरा गलत है, तो यही आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है डी, ए इज फॉल्स, पहला गलत ही हो गया, फॉल्स कहाँ भाई, सही है ये, आर इज ट्रू, तो ये भी गलत है, ओके, उल्टा कर दिया, यानी ऑप्शन आपका सही कौन सा हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, समझ में आ गया। ओके, आगे चला जाए, ठीक है, सेवन नंबर क्वेश्चन, ये भी उसी से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, जब मैंने आपको प्रेसिडेंट पढ़ाया था तो मैंने बताया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होते हैं, ठीक है, हम लोग वोट नहीं देते हैं, बल्कि हम जिसको वोट दिए हैं वो लोग वोट इनको देते हैं, क्लियर है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, समझ में आ गया। तो अब पहला ऑप्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, सही है। दूसरा, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कहना कि लोकसभा से राज्यसभा से, लोकसभा प्लस राज्यसभा के दोनों लोगों के इलेक्टेड मेंबर इसमें, इस इलेक्ट्रल कॉलेज में जिसके थ्रू इनका इलेक्शन होता है, ये लोग शामिल, सभी मेंबर शामिल होते हैं, सही यहाँ तक, ओके। एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी सभी राज्यों के जो असेंबलीज हैं, चाहे किसी में लेजिस्लेटिव असेंबली हो या काउंसिल हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, तो ये किसकी बात कर रहा है, असेंबलीज की बात, राज्यों की असेंबली के सारे इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा के सारे इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के सारे इलेक्टेड मेंबर, ये सब तीनों लोग, तीनों जगहों सभी लोग शामिल होते हैं, किसके इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, इलेक्टोरल कॉलेज में, राइट, तो ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक है, क्लियर। जब आपको मैंने बताया था प्रेसिडेंट के इलेक्शन के, तो आप वीडियो वहाँ देखिएगा, ढंग से आपको समझ में आ जाएगा, पहला ही क्लास में था। ओके, अब ऑप्शन पढ़ते हैं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, गलत है ये भाई, ए इज फॉल्स ये भी गलत है, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ए आर दोनों सही हैं, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ राइट ए, यानी जो आर है वो पहले ऑप्शन का सही क्या है, सही एक्सप्लेनेशन है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया। ओके, ऑप्शन आपका सी आपका करेक्ट हो गया। डी क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही है, सही है, बिल्कुल सही है भी है, बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन, गलत है ये,
ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक, आगे चला जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द इलेक्ट्रल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट कंसिस्ट, यानी यही सेम क्वेश्चन है, साथ में क्वेश्चन रिलेटेड है कि जो इलेक्ट्रल कॉलेज होता है वो किससे किससे मिलके बना होता है। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट की मैंने आपको बताया, लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर्स शामिल होंगे इसमें। कौन? इलेक्टेड, याद रखना है, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, गलत है भैया, कह रहा कि राज्य की विधानसभा विधान परिषद दोनों के इलेक्टेड मेंबर, तो ये आपका ऑप्शन गलत लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन ये गलत है, क्यों? मैंने आपको बताया कि अगर राज्य कोई है तो राज्य में अगर वहाँ पे दोनों बाइकैमरल है, असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो मैंने आपको बताया केवल असेंबली के इलेक्टेड मेंबर जाएंगे, यहाँ के नहीं जाएंगे। ठीक है, इसलिए याद रखना है। तो आपका ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, किसमें बी है, इसमें भी बी दिख रहा है, तो ए ऑप्शन कट गया। ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा है तो इसको रहने दीजिए, इसमें भी ऑप्शन बी दिख रहा है, काट दीजिए। अब एक ऑप्शन है तीसरा, यानी कि दो, ए और सी कट गए, ए एंड सी कट गए, बचा बी और डी। अब एलिमिनेट कैसे करेंगे, दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, ये क्लियर हो गया, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट, ये सही है, तीसरा सही, मैंने आपको बताया, तो तीसरा ऑप्शन सही हो गया और पहला आपका सही ही था। अब चलते हैं चौथे पे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया दिल्ली एंड पौंडीचेरी के इलेक्टेड मेंबर शामिल इसमें होते हैं और बाकी जगहों पे विधानसभा नहीं है, इसीलिए बाकी यूटीज में अभी तक शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो यानी आपका चौथा भी ऑप्शन सही है। अब खोज लीजिए, मिला लीजिए, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका आ गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ओके, चला जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इफ, कह रहा है कि जो सीएम साहब होते हैं राज्य के सीएम साहब जो होते हैं, ये किस या क्यों कब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में शामिल नहीं हो सकते हैं, क्या चीज़ है कि ये शामिल नहीं करने देती है। पहला, ही इज अ कैंडिडेट, वो कैंडिडेट हैं तो शामिल हो सकते हैं, भाई बिल्कुल सही है, शामिल तो होते ही है। ही इज एट टू प्रूव हिज मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि अगर ये सीएम नहीं बने हैं, अपनी मेजोरिटी अभी पेश करना है इनको राज्यसभा में, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में है, ठीक है, फ्लोर टेस्ट करवाना है, उस समय पे ये शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये तो जीते हुए हैं, खाली प्रोटेस्ट बचा हुआ, तो ये जीते हैं तो ये शामिल हो सकते हैं, राइट, ये सही है, ये भी सही है। दूसरा, क्योंकि नॉट दे दिया, याद रखिएगा नॉट को ऑप्शन हमेशा हाईलाइट करिएगा। ही इज अ मेंबर ऑफ अपर हाउस, अपर हाउस का मतलब ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी सिंपल बात वही घुमा कर दिया है कि अगर वो लेजिस्लेटिव के मेंबर हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं, ठीक है, तब वो शामिल नहीं हो सकते। मैंने आपको बताया कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें शामिल नहीं होते इनके इलेक्शन में, ठीक है, तो यही आपका आंसर गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये गलत है, क्लियर हो गया, समझ में आया, तो ये गलत हो गया। चौथा ऑप्शन, ही इज अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ द हाउस, भाई सिंपल सी बात है, अगर लोअर हाउस के मेंबर हैं, यानी असेंबली के मेंबर हैं, तब तो ये शामिल होंगे इलेक्टेड हैं तो, ठीक है, काउंसिल के नहीं होते हैं ना, यहाँ के नहीं होते हैं, तो ये सिंपल, ये भी सही, ये सही है, ये सही है और ये भी सही, तीनों सही है, केवल आपका सी ऑप्शन गलत है। और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि नॉट एलिजिबल, क्यों एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये अपर हाउस का मेंबर है इसलिए एलिजिबल नहीं हो सकता। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ओके, आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। पहला है, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहा गया बाय बर्थ उसे सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, बिल्कुल सही है, क्लियर, ये भी सही है। दूसरा, ही शुड हैव कंप्लीटेड एट द एज ऑफ 35 ईयर्स, आपको मैंने पढ़ाया था कि इनका टेनर यानी कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35, प्रेसिडेंट की प्लस वाइस प्रेसिडेंट दोनों की, ठीक है, दोनों की 35 होनी चाहिए, दूसरा भी सही है, पहला सही है, दूसरा सही है। तीसरा, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसे पार्लियामेंट के मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी रखनी चाहिए,
राइट, क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन इसमें, ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, अब देखिए एक चीज़ तीसरे में क्या थे, ही शुड बी क्वालिफाइड एज इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मेंबर बनने की उसके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि लोकसभा, और यहाँ लोकसभा का मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ना कि राज्यसभा की, यानी ये पार्लियामेंट वर्ड डाल दिया है, तो समझिए कि ये क्वेश्चन क्या है, ये गलत है, ठीक है। अब ऑप्शन आपका यहाँ ध्यान देना है, बाई बर्थ, बाई बर्थ को भी थोड़ा सा फोकस करना है। बाई बर्थ का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया का सिटीजन है वो, तो प्रेसिडेंट बन सकता है, चाहे बाई बर्थ हो, चाहे बाई डिसेंट हो, चाहे किसी तरह से हो, ठीक है, वो बन सकता है, क्लियर है। ओके, तो ये ऑप्शन आपका, इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका हो गया ऑप्शन बी, ठीक है, बी शुद्ध रूप से सही है, तो ऑप्शन आपका बी आपका सही, यानी टू दूसरा ऑप्शन आपका सही है। बाकी ये थोड़े थोड़े गलती, यहाँ बाय बर्थ इसने हाईलाइट कर दिया है, यहाँ कर दिया पार्लियामेंट डाल करके, तो ये दोनों चीज़ें गलत हो गई, यानी कि एक यही वर्ड दोनों क्या है, गलत हो गए, सेंटेंस को गलत कर दिए। तो आपका ओनली टू ऑप्शन सही, तो ऑप्शन ए में एक है, बी में टू है, सी में वन टू है, डी में वन एंड थ्री है, तो ऑप्शन बी आपका सही है, राइट, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट चला जाए आगे, ग्यारहवां क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन अपॉइंटमेंट होता है, सिंपल सी बात मैंने आपको बताया, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। तो चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये भी सही है, मैंने आपको फाइनेंस कमीशन पढ़ाया, देख लीजिएगा, इसको अपॉइंटमेंट देता है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल बताइएगा 280, ठीक है, आर्टिकल 280, ये रिलेटेड है। अब वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन को भी अपॉइंटमेंट यही देता है, सही है गलत है भैया, वाइस चेयरमैन को अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट नहीं बल्कि कौन देता है, पीएम देता है। आपने बताया, मैंने बताया आपको कि जब हम लोग पढ़ रहे थे प्लानिंग कमीशन नीति आयोग जैसे इसमें है, तो नीति आयोग का जो हेड होता है वो कौन होता है, यो हेड पीएम होता है, तो पीएम का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर देंगे, बाकी चेयरमैन जो होंगे वाइस चेयरमैन, ये पीएम खुद उनको अपॉइंट कर देगा, राइट, क्लियर है। तो ये वाला आपका ऑप्शन गलत होगा, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट, जैसे यूनियन टेरिटरी चीफ मिनिस्टर कहाँ पे हैं, सीएम इसमें दिल्ली में केवल हैं, ठीक है, और बाकी कहीं पर नहीं है, ठीक है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट जो होता है यूटी का, वो प्रेसिडेंट ही करता है, तो ऑप्शन ए एंड तीसरा वन एंड थ्री ऑप्शन सही है। इसका मतलब ढूंढिए कौन सा सही है, पहला इज करेक्ट, ओनली वन करेक्ट है, गलत हो गया, दूसरा ए एंड टू दोनों करेक्ट है, तीसरा है ही नहीं इसमें, ऑप्शन सी आपका सही, वन एंड थ्री दूसरा गलत है, राइट। तो आपने एलिमिनेट क्या किया, यहाँ से दो काट दिया, यहाँ से दो काट दिया, दो कट गए, ओनली वन दिया थे भी कट गया, तो यानी ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, क्लियर है, चला जाए आगे, ठीक है, दो तीन क्वेश्चन और देख लेते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट, यानी कह रहा है कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, यानी लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा याद समझिएगा क्वेश्चन, लोकसभा राज्यसभा, और यहाँ स्टेट की बात कर रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इनकी विधानसभा और विधान परिषद, यहाँ लोकसभा राज्यसभा की बात कर रहा है, तो अगर मेंबर यहाँ का इन दोनों हाउस का है या इन दोनों हाउस का है, तो क्या वो मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हो सकता है इलेक्ट, राइट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, समझ में आ गया। ओके, पहला ऑप्शन, ही विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम हिज सीट बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शन, कह रहा है कि इलेक्शन कंटेस्ट होने से पहले उसे अपनी सीट छोड़ देनी होगी, ठीक है, ही विल हैव टू रिलिंक्विश हिज सीट विद इन सिक्स मंथ्स ऑफ हिज इलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब क्या है कि उसे सीट छोड़ने की जरूरत नहीं है कि जब इलेक्शन हो रहा तभी मत छोड़िए, लेकिन अभी तक वो अगर सीएम है, अगर आप यहाँ के मेंबर हैं, यहाँ के मेंबर हैं, यहाँ के मेंबर हैं, या फिर यहाँ के मेंबर, कहीं के मेंबर, कहीं के हैं, तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं प्रेसिडेंट का, लेकिन जब आप इलेक्ट हो गए, आप चुन लिए गए, उस वक्त आपको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, चाहे आप कहें कि मिनिस्टर हों या मेंबर हों, तो आपको सीट अपनी छोड़नी पड़ेगी, तो ऑप्शन बी आपका ठीक है, विद इन सिक्स मंथ ऑफ हिज इलेक्शन, इलेक्शन के छः महीने तक छोड़नी पड़ेगी। दूसरा, ही विल हैव टू रिलिंक्विश हिज सीट एज सून एज ही इज इलेक्टेड, कह रहा कि जैसे ही उसे इलेक्ट किया जाता है तो उसे अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ओके, अब इसमें देखते हैं क्या, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, फिर नेक्स्ट,
एन एमपी कैन कॉन्टेस्ट बट एन एमएलए कांट, गलत है ये भाई साहब। एमएलए एमपी दोनों लड़ सकते हैं। एमएलए का एमपी कौन है? यहाँ के जो लोग हैं ये एमपी कहलाते हैं, ये एमएलए कहलाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये कहलाता है एमएलसी, ठीक है, ये एमएलसी कहलाता है। क्लियर हो गया? तो ये सब लोग लड़ सकते हैं चुनाव इनका, लेकिन बस याद रखना है कि ये जैसे ही चुनाव जीतते हैं, जैसे इलेक्ट होते हैं, तुरंत उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। तो कुल मिला के ऑप्शन आपका सही है क्या, ही विल हैव टू रिलिंक्विश हिज सीट एज सून एज ही इलेक्टेड। तो ऑप्शन सी आपका सही है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ओके, तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, आगे चला जाओ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका, टू हुम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रिजाइनेशन, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना रिजाइनेशन किसे एड्रेस करके दे देते हैं? पहला ऑप्शन स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर को दे देते हैं, नहीं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यही सही है, यानी कि प्रेसिडेंट हैं तो प्रेसिडेंट अपने नीचे वाले रैंक को, वाइस प्रेसिडेंट को अपना रिजाइन देकर चले जाएंगे, और जब रिजाइन हो जाता है तो उनकी सीट पे जाके वाइस प्रेसिडेंट ही बैठते हैं, राइट, जब तक सीट खाली रहती है, और ये कहा गया 6 महीने के अंदर अंदर फिर सीट को फुल करना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गलत है ये भी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? ओके, चला जाए आगे। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, कोई मैटर है, तो उस वक्त वो मैटर कहाँ रिफ़र किया जाएगा? अटॉर्नी जनरल के पास चला जाएगा, गलत है भैया, वो क्या करेगा, ठीक है, ये तो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील होता है, आपने पढ़ा है। पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में भी नहीं जाता है, ठीक है, इलेक्शन के रिलेटेड डिस्प्यूट है तो पार्लियामेंट में नहीं जाता है। कौन सा मैटर जाएगा? जब इनके रिमूवल का मैटर होगा तब वो पार्लियामेंट में जाएगा, याद रखना है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, जब मैंने आपको पढ़ाया है सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें बताया कि जब मैटर डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, प्रेसिडेंट के रिलेटेड इलेक्शन का, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का रोल होता है, वो फाइनल डिसीजन उसका मान्य होता है, यानी ये डिसीजन क्या होगा, इसका फाइनल डिसीजन मान्य होगा, फाइनल होगा, राइट, किसका, सुप्रीम कोर्ट का। ना ना, फिर गलत है। तो ऑप्शन क्यों में आकर कौन सही हो गया? ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। आपको पता है कि एक टर्म में प्रेसिडेंट 5 साल तक के लिए, इसका जो टेनर होता है 5 साल का होता है, तो एक बार में 5 साल के लिए प्रेसिडेंट को बनाया जा सकता है। जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो USA का प्रेसिडेंट होता है ये 2 टर्म ही केवल अपनी पोस्ट पे रह सकता है, यानी 2 बार ही बन सकता है, यानी कि इसका USA के प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है 4 साल के लिए होता है, टेनर उसका 4 साल का होता है, यानी 4+4 कुल मिलाकर के 8 साल तक लगातार वो बन सकता है, उसके बाद फिर लाइफ में वो कभी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, ठीक है, कहाँ पर, USA में, यानी 2 बार। लेकिन हमारे यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम है, जब तक आप चाहते हैं तब तक प्रेसिडेंट बन सकते हैं, 5-5 साल पे, जब तक आप बना सकते हैं, ठीक है, टिल डेथ, मृत्यु तक। समझ में आ गया? ओके, कह रहा है कि प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम डेट, यानी जिस दिन उसका इलेक्शन हो गया उसी दिन से 5 साल लगातार वो रहेगा। पहला, विच ही इज इलेक्टेड, जिस दिन वो इलेक्ट होता है, राइट, गलत है भैया, उसी दिन क्यों बनेगा, जब बैठेगा सीट पे तब ना काउंट किया जाएगा, जब साइन करेगा तब ना। विच इज डिसाइडेड बाई पार्लियामेंट, डेट डिसाइड होती है पार्लियामेंट द्वारा, नहीं, गलत है। विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस होल्ड हिज ऑफिस, यानी जिस दिन वो अपनी ऑफिस में इंटर करेगा, जिस दिन साइन करेगा, उसी दिन से उसका कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा, उस दिन से लगातार 5 साल तक वो अपना पोस्ट पे बना रहेगा, राइट, ये सही, ये इंपॉर्टेंट, जिस दिन बैठेगा अपनी ऑफिस पे सीट पे उसी दिन से। नेक्स्ट है, विच इज डिसाइडेड बाई इलेक्शन कमीशन, गलत है, यानी डेट इलेक्शन कमीशन डिसाइड नहीं करता है। तो कुल मिला जुला करके ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? ओके, आगे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी ये बात कर दिया आप, आर्टिकल इम्पीचमेंट की बात कर रहा है, यानी आर्टिकल आपका 61, आर्टिकल 61 है जो इम्पीचमेंट की बात करता है प्रेसिडेंट के ऊपर, तो उससे रिलेटेड बात कर रहा है। कह रहा है कि मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, पहला है, बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट,
पार्लियामेंट के दोनों हाउस में मोशन लास्ट है, सिंपल सी बात है। अब याद रखना आपको है, लोकसभा है इधर, इधर राज्यसभा है, ठीक है। तो लोग इम्पीचमेंट की बात कर रहा है, तो यानी हम कह रहे हैं कि लोग इसका इम्पीचमेंट जो आएगा उसका मोशन जो बिल है, जो रेजोल्यूशन है, वो या तो इसमें लाइए चल जाएगा, या तो इसमें, यानी कि दोनों हाउस के किसी हाउस में मोशन को लाया जा सकता है। तो सही है बिल्कुल, तो ऑप्शन आपका पहला सही हो गया। लोकसभा में, केवल लोकसभा में गलत है, केवल लोकसभा में गलत है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा गलत है, ये भी, यानी आपका सी बी डी तीनों गलत है, ऑप्शन ए आपका सही है। तो आंसर आपका ए इज करेक्ट हियर, ठीक है। दोनों हाउस में से किसी हाउस में मोशन को इनिशिएट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट लीस्ट हाउ मेनी डेज ऑफ प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कह रहा है कि जब प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट चलाया जाएगा तो उस समय कितने दिन पहले नोटिस देना होगा प्रेसिडेंट साहब को इम्पीचमेंट के लिए। तो पहला ऑप्शन है 7 दिन, ठीक है, 14 दिन, 21 दिन, 30 दिन, राइट। तो आपने पढ़ा है, मैंने आपको बताया है कि इनका जो इम्पीचमेंट होता है प्रायर नोटिस होनी चाहिए कितने, प्रायर नोटिस ऑफ एटलीस्ट 14 डेज, 61(2) में ये बात कही गई है, ठीक है, 61(1) में, ठीक है। और इसमें 2 में क्या कहा गया है कि जब किसी हाउस में, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा, मान लीजिए लोकसभा में इम्पीचमेंट का बिल लाया गया या राज्यसभा में इम्पीचमेंट का बिल लाया गया, तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर इसके क्या हों, एक्सेप्ट किए हों, टोटल नंबर का 1/4 लोग साइन किए हों रिजोल्यूशन लाने के लिए, तब ये इस हाउस में बिल आएगा। एक्सेप्ट करेंगे तब आएगा, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ पे भी जितने हाउस हैं तो यहाँ पे 1/4 मेंबर ये लोग साइन करेंगे तभी वो बिल आएगा, वो रिजोल्यूशन या वो मोशन आएगा, ठीक है, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा, तब आगे प्रोसीड करा जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी सही हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट, अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट होती है एंड देर इज नो वाइस प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक पोस्ट खाली हो गई किसकी, प्रेसिडेंट की, ये खाली, दूसरी इसके जगह जाके बैठता है कौन, वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं साहब, ठीक है, और ये भी पोस्ट क्या हो गई, खाली, यानी कि दोनों की दोनों पोस्ट क्या हो गई, खाली हो गई। अब भाई साहब क्या होगा, अब इसकी जगह पे यानी कि प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बैठेगा कौन, तो यहाँ से एक व्यक्ति आता है, कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट का CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये व्यक्ति आके बैठेगा कहाँ पे, इनकी पोस्ट पर, समझ में आ गया। अब ऑप्शन पढ़िए, कह रहा कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा, क्यों भैया, वाइस प्रेसिडेंट तो बैठ ही रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट ही तो राज्यसभा के कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, सॉरी चेयरमैन होते हैं जो, तो ये नहीं बैठेगा, क्लियर है। अटॉर्नी जनरल ये भी नहीं बैठेगा, सेंटर का वकील होता है ये, लोकसभा स्पीकर, स्पीकर साहब भी नहीं बैठेंगे, कौन देखेगा पार्लियामेंट तक, ठीक है। नेक्स्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन क्वेश्चन बहुत टिपिकल, बहुत अच्छा है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बैठेगा इनकी पोस्ट पर, समझ में आ गया। ओके, तो ऑप्शन इज डी, राइट, राइट आंसर आपका डी हो गया, CJI बैठता है इनकी जब दोनों पोस्ट खाली हो, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चला जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग कैन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट, यानी कितने समय तक वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की पोस्ट पे काम कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं, व्हेन द प्रेसिडेंट कैन नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी फॉर रीजंस ऑफ डेथ रिजाइनेशन, यानी कि डेथ रिजाइनेशन के बाद या रिमूवल या अदरवाइज किसी वजह से उनकी सीट खाली हो गई है, अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, चाहे उनकी डेथ हो गई, रिजाइन हो गया, रिमूवल हो गया या कोई अदर रीजन है, तो उस समय प्रेसिडेंट की पोस्ट पर वाइस प्रेसिडेंट बैठता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन कब तक बैठेगा भैया, क्या पूरा बैठेगा जब तक उनका टेनर है, नहीं, इम्पॉर्टेंट, पहला ऑप्शन 5 ईयर्स गलत है, 5 साल थोड़ा बैठेगा, दूसरा 1.5 साल, 1.5 साल बैठेगा, बिल्कुल ये भी ये आपको 1.5 साल दे रहा था, गलत है ये, ठीक है, 1 ईयर, ये भी गलत है, नेक्स्ट 6 मंथ, ये आपका ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन आपका 6 मंथ सही है। अब समझिए, यानी जब कभी भी प्रेसिडेंट की सीट खाली होती है उस टाइम पे, चाहे किसी वजह से, चाहे वैकेंट सीट हो गई हो, चाहे परफॉर्म नहीं कर पा रहे तब, या उनकी रिजाइन हो गई हो, डेथ हो गया हो, या कोई रिमूवल हो गया, या किसी रीजन से सीट खाली हो गई, तो वाइस प्रेसिडेंट, आपने पढ़ा है, वाइस प्रेसिडेंट आके बनते हैं प्रेसिडेंट के रूप में,
तो कितने दिन तक? मैक्सिमम 6 महीने तक वो अपनी सीट पे उनकी जगह पर जाके बैठेंगे, राइट, मैक्सिमम, ठीक, ऐसा बहुत कम हुआ है। अब समझ में आ गया यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मैक्सिमम 6 महीने तक ये अपनी पोस्ट उनकी पोस्ट पर बैठेंगे जा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ज्वाइंट सीटिंग। ज्वाइंट सीटिंग का मतलब होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों को साथ में बुलाना। हमने आपको पहले ही पढ़ा है कि लोकसभा राज्यसभा का जो इनोवेशन करते हैं, बुलाते हैं कौन? प्रेसिडेंट, एक साथ में ज्वाइंट सीटिंग का, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों को, ठीक है। ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों को ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं। इस समन बुलावा भेजा जाता है बाई किसके द्वारा भेजा जाता है? सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट भेजते हैं, ठीक है। अब याद रखना है, समन भेजना, ठीक है, बुलावा भेजना, समन भेजना, सेशन को प्रोरोग करना, सेशन को स्थगित करना, ठीक है, प्रोरोग करना और बुलावा समन भेजना, फिर उसके बाद एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट के पहले, जब पहली बैठक होती है जनरल सेशन के बाद, तो पहली बैठक को एड्रेस करना है इनका, प्लस फर्स्ट सेशन, हर साल का फर्स्ट सेशन भी एड्रेस कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका प्रेसिडेंट सही है, स्पीकर नहीं करते हैं, पार्लियामेंट नहीं करते, चेयरमैन नहीं करते हैं, ये लोग गलत हैं, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो ऑप्शन एक आपका सही हो गया, राइट, ओके। ये आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल आपका 108 है, याद रख सकते हैं, यहाँ पे 108 आर्टिकल है, ओके। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखा जाए, ऑन विच मैटर इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द प्रेसिडेंट टू मे टू टेक एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल ऑफ, यानी किस मैटर में? हमने पढ़ा है कि हर मैटर में प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, ये एडवाइस लेते हैं किससे? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से, यानी आर्टिकल 74-75 इसमें यही कहा गया, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री टू एड एन एडवाइज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को सुझाव देने के लिए, सलाह देने के लिए, सहायता करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बनाई जाएगी। तो किस केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री इनको सलाह या इनका सलाह मानने के लिए बाध्य या इनके एडवाइस नहीं लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। पहला, अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर, राजदूतों की नियुक्ति करने के लिए अब इनसे सलाह लेते हैं, लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, ठीक है। दूसरा, ये नाट देखिएगा ध्यान से, टू एसेंट अ बिल, टू एसेंट अ बिल का मतलब आप समझिए, जब कोई भी बिल लोकसभा से या राज्यसभा से पास हो गई और फाइनली जाएगी किसके पास? फाइनली जाएगी प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है, इनके पास कुछ पावर्स होती हैं, पहला बिल को एक्सेंट दे देना, एसेंट दे देना, ठीक है, एक्सेप्ट कर देना, दूसरा विथहोल्ड कर देना बिल को, और फिर तीसरा रिटर्न कर देना बिल को, ठीक है, या विथिन मतलब पास कर देना। तो ये जो पावर इनके पास है प्रेसिडेंट के पास, इसमें से जो बिल को एसेंट देना, बिल को सहमति दे देना, पास करा देना, ये पावर जो है ये प्रेसिडेंट के पास इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है। कैसी पावर है? डिस्क्रिशनरी है। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, इनके विवेक पर डिपेंड करेंगी, तो डिस्क्रिशनरी पावर है इनकी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऑप्शन ए सही है, नॉट वाला ऑप्शन पूछा था, तो ऑप्शन बी आपका यही गलत है, तो आपका ऑप्शन को मिला जुला करके आपका बी मिल गया सीधे सीधे। अच्छा, तीसरा देखते हैं क्या है, टू एक्शन द बिल रिफर्ड बाय द गवर्नर, गवर्नर्स के द्वारा जो बिल, यानी कि हमने देखा है कि जब गवर्नर साहब को लगता है, स्टेट के गवर्नर को, कि कोई बिल फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड है या कोई भी बिल नेशनल इम्पोर्टेंस का है, तो अपने पास वो बिल को रिजर्व कर लेते हैं किसके लिए? फॉर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लिए। तो उस बिल को एक्सेंट दे देना नहीं, ये भी गलत है भैया, वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से पूछ कर ही एक्सेंट देंगे उसको, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। तो ये भी आपका सही है। फिर उसके बाद टू डिजॉल्व द लोकसभा, लोकसभा को डिजॉल्व करना, यानी कि पूरी पूरी लोकसभा को डिजॉल्व करना, ये किसकी डिस्क्रिशनरी पावर है? यानी कि प्रेसिडेंट की पावर नहीं है, यानी कि ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से पूछ करके ही करेंगे, ठीक है, डिजॉल्व करेंगे, यानी पीएम से पूछ करके ही कर सकते हैं। अब हालांकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो पीएम इंक्लूडिंग होती है, ठीक है, तो वो सब लोग हट जाते हैं। तो ऑप्शन आपका सही हो गया, बी सही है, सॉरी ए सही है, सी सही है, डी सही है, और ई क्या है? ई टू एसेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधानिक संशोधन बिल पर भी एसेंट देना इनका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, बल्कि वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के एडवाइस पे करते हैं। तो कुल मिला जुला के आपका आंसर केवल जो गलत है वो है टू एसेंट अ बिल, यही इनका डिस्क्रिशनरी पावर है, बाकी सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से पूछ करके ही ये
करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, अब आगे चला जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है? पहला, ही इज कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, हमने देखा था पार्लियामेंट के तीन भाग हैं, तीन अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट के तीन अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तो इन तीनों से बना हुआ तो पार्ट है ये, सही है, पहला सही है। दूसरा, ही पार्टिसिपेट्स इन द डिस्कशंस इन द बोथ हाउसेस। ये दोनों हाउस के डिस्कशन में भाग लेता है, बिल्कुल गलत है ये, दोनों हाउस के डिस्कशन में भाग नहीं लेता है ये। एड्रेस करेगा, एड्रेस करने के बाद ही ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा हर साल, या जब चाहे तब बुला सकता है, लेकिन ये कहिए कि उसमें हर चीज़ों में जाके भाग ले तो ऐसा नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट्री डिस्कशन में भाग नहीं लेता है, समझ में आ गया? ओके, दूसरा, ही एड्रेसेज द ज्वाइंट मीटिंग, बिल्कुल है, ज्वाइंट मीटिंग को एड्रेस करेगा ये, वही बुलाता भी है सेशन को। ठीक है, ज्वाइंट सेशन मीटिंग को। ही कैन प्रोमोगेट आर्डिनेंस इन सर्टन केसेस, ये भी सही है, यानी कि डी ऑप्शन, सी ऑप्शन और ए ऑप्शन तीनों सही है, ओनली रॉन्ग जो है वो बी है ऑप्शन। ठीक है, पार्लियामेंट्री सेशन में भाग नहीं लेता है ये, तो ऑप्शन आपका डिसेशन भाग मिलता है, तो ऑप्शन आपका सी, बी सही हो गया। ठीक है, राइट, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, क्लियर हो गया। अब ये 22 क्वेश्चन आपके थे, थोड़ा लंबा क्लास हो गया, लेकिन आप समझिएगा क्वेश्चन चीज़ों को, पूरा डिटेल है पूरा पार्लियामेंट पे, इस पे प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।